अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज का जो हमारा पेपर है वो फरवरी मार्च 2020 का है, पेपर 4, 2 और 2 आवर्स का पेपर है। पूरी कोशिश होगी कि टाइम के अंदर अंदर इसको हम कंप्लीट किया जाए, और यकीनन ये टाइम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हम माशाल्लाह से बहुत लायक स्टूडेंट्स हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दी पेपर, डेटा बुकलेट आपके पास होनी चाहिए खुली हुई, और आपके पास पेपर जो है वो भी ओपन होना चाहिए ताकि आप साथ साथ सॉल्व करते जाएं। और मार्क स्कीम जो है वो आपसे 10-100 मील दूर होनी चाहिए। और उसके अलावा आप जो है वो, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको भी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। हमारा टारगेट है कि बहुत जल्द हम एटलीस्ट इस अगले 4 मंथ्स में, हम नया सेशन स्कूल का सितंबर में शुरू होने से पहले पहले हम 1K सब्सक्राइबर्स हिट कर लें। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जी, तो ये तो ट्रांजिशन आ गया सबसे पहले। आयरन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट इन द फोर्थ पीरियड। आयरन फॉर्म्स कंपाउंड्स कंटेनिंग द Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। डिफाइन द टर्म ट्रांजिशन एलिमेंट। सो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता हम लिखते हैं एलिमेंट विद हाफ फिल्ड डी सब शेल। डी सब शेल विच मेक्स वन और मोर स्टेबल आयंस। ठीक है, सेकेंड बार देखिएगा तो उसमें वो कह रहा है कि कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ आयरन विद दोज ऑफ कैल्शियम एंड एन एस ब्लॉक एलिमेंट इन द फोर्थ पीरियड। सो आयरन जो है वो आपको पता है एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हायर होता है। तो आयरन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो इट इज आयरन इज मोर डेंस देन कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस Fe2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, सो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? तो डेटा बुकलेट जैसे कि मैंने कहा था कि खोली रखिएगा। जी, सो आयरन हुजूर, आयरन कहाँ है जी? आयरन तो ये है, सो 1s2, ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और Fe2 पॉजिटिव है तो 4s2 से हम निकाल देंगे। ठीक है, 3d से नहीं निकालेंगे, 4s2 से निकालेंगे। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s 0 हो जाएगा, तो 4s बेशक ना लिखो, और 3d 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10, 9, 8, 7, 6। तो Fe2 पॉजिटिव जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, हमें नजर आ रहा है कि हाफ फिल्ड डी सब शेल है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, एक्वस Fe3 पॉजिटिव आयंस इन फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द कलर इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो बेटा होता यह है कि डी सब शेल्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी सब शेल्स स्प्लिट इनटू टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड प्रमोटेड फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, कलर इज अब्सॉर्ब। ठीक है, द कलर अब्सॉर्ब इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर
सी, ठीक है। ठीक अच्छा, है। सो ये जो था, ये इसकी काफी ज्यादा मैंने आपको डिटेल जो है वो पढ़ाते वक्त भी बताई थी कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमेशा आता है। ओरिजिन ऑफ द कलर इन ट्रांजिशन, ठीक है, और इसको रट लें, 4 मार्क का देखें, हमेशा आने वाला क्वेश्चन है। कभी ऐसा कोई पेपर में ऐसा नहीं हुआ कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है, तो ये आना ही आना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब वो कह रहे हैं, व्हेन एन एक्सेस ऑफ सी एन नेगेटिव एक्वस आयंस इज एडेड टू ग्रीन Fe2O6 एक्वस आयंस, येलो FeCN6 फोर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयंस आर फॉर्म। हीटिंग दीज येलो कॉम्प्लेक्स आयंस FeCN6 विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड देन न्यूट्रलाइजिंग द प्रोडक्ट विद Na2CO3 एक्वस प्रोड्यूसेस रेड क्रिस्टल्स कंटेनिंग द FeCN5 NO2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन। NO इज ए न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड, स्टेट द शेप ऑफ द FeH2O6 टू पॉजिटिव एक्वस आयन। तो 6, तो FeH2O6 है, ठीक है, ये 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है आपका? 6 है, तो शेप क्या हो जाएगी? ऑक्टाहीड्रल। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन ये एंड एन एक्सेस ऑफ सी एन नेगेटिव एक्वस आयंस, ठीक है, तो FeH2O6 ब्रैकेट डाल के 2+6Cn नेगेटिव एक्सेस है, ठीक है, FeCN6 फोर नेगेटिव +6H2O, ठीक है। राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयरन इन फलाने कंपाउंड्स, तो आयरन की इधर जो है वो +2 होगी और इधर जो है वो +3 होगी, 5 है, 2- है, ठीक है। डिफाइन द टर्म मोनोडेंटेट लिगेंड, सो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जिसके पास एक पेयर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो एक डेटेड बॉन्ड बनाता है। सो द लिगेंड्स विच कैन फॉर्म ओनली वन डेटेड बॉन्ड विद दी मेटल आयन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, वो कह रहा है कंप्लीट द डायग्राम टू शो द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ FeCN5NO2। ये तो बहुत आसान है बेटा, यहाँ पे ऊपर हम NO2 बना देते हैं, यहाँ पे डैश बॉन्ड्स और यहाँ पे CN, यहाँ पे एक ऐसे वेज बॉन्ड CN, ठीक है, CN यहाँ पे दोबारा CN, यहाँ पे दोबारा डैश बॉन्ड और CN, ठीक है। The two complex ions FeCN6 4 negative and FeCN are different colors. Explain why the colors of the two complex ions are different. So हम ये कहते हैं कि the DD energy gap, silent करें, the DD energy gap is different, ठीक है, यानी कि डेल्टा E जो है वो different है, different, different and different wavelengths, of light is absorbed, are absorbed, ठीक है, उनका डेल्टा ई जो वेवलेंथ है वो ही डिफरेंट होता है, तो वो इसलिए हम कहते हैं कि आप इस तरह कह सकते हो कि वो डिफरेंट है, ठीक है। Moving on to the next part. E is a complex ion FeC2O4 2Cl2 4- containing Fe2 positive ion with a coordination number of 6. Define the term coordination number. The coordination number kya hota hai? The number of dative bonds the number of dative bonds from ligands to central metal ion. E shows both optical and cis trans isomerism. One isomer of E is shown. The C2O5 2 name is represented as dash ox dash. Okay? In the box below, draw three dimensions to show the trans isomer of E, the optical isomer of
ई, तो इधर ट्रांस शो करना है, तो सिस कहाँ है जी? सिस तो ये है, ठीक है। तो ट्रांस में क्या होगा जी, ये सीएल सीएल को ऑपोजिट कर दो। तो इस तरह हम ये करते हैं कि एक सीएल को इधर डाल देते हैं, देखो एक सीएल को इधर डाल दो, और एक सीएल जो इधर है इसको ऑलरेडी इधर ही रखी रखो, और ये ऐसे बना दो, और ये ऐसे बना दो, और ये ऊपर था ये ऐसे आ जाएगा, और इधर जो है वो एक वेज बॉल है, ठीक है। सो एक ओ एक्स ऐसे, और दूसरा ओ एक्स जो है वो ऐसे ओ एक्स, ठीक है। तो इस तरह हो जाएगा। अब ऑप्टिकल में क्या करना जी, ऑप्टिकल में ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनाओगे? ऑप्टिकल में ऐसे बनाओगे कि एक जो सी एल है उसको आप इधर लगा दो, ठीक है, एक ओ एक्स को इधर डाल दो, ठीक है, इधर वेज बॉन्ड बना के, तो ये आप ख्याल में ऑप्टिकल बन गया, ये भी ऑप्टिकल बन गया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये काफी लंबा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 20 मार्क्स का इसने ट्रांजिशन में से क्वेश्चन दे दिया, जालिम एग्जामिनर है, बट ट्रांजिशन है तो ये रिलेटिवली आसान होता है, काफी इसमें इतनी मुश्किलात नहीं यूजली पेश आती बच्चों को। ज्यादातर मोस्टली ये याद करने वाली चीजें बहुत होती हैं इसमें, इसी तरह जैसे अभी ये देखें हमने डेफिनेशन, तीन चार तरह से डेफिनेशन पूछ ली, चार नंबर का उसने एनर्जी क्या है वो पूछ लिया, कलर ऐसे क्यों होता है, ठीक है, तो वो ही होता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह शेप्स वगैरह, देखिए ट्रांजिशन में यही होती है ज्यादातर चीजें। तो बहरा देखिएगा कि Fe2O4Cl2O4- कंटेन्स लिगेंड्स व्हिच आर एनायंस ऑफ द एथन इथेन डायोइक एसिड, कंप्लीट द टेबल टू शो एनी ऑब्जर्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ HC CO2H विद द नेम रिएजेंट्स वेयर देयर इज नो चेंज, राइट नन। सो ये है, इसका रिएक्शन करवाओगे वार्म एसिडिफाइड मैंगनेट 7 के साथ, तो रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा, देखो C डबल बॉन्ड O O H है, और इधर दोबारा C और फिर C डबल बॉन्ड O O H है, ठीक है, तो रिएक्शन बिल्कुल होगा, और क्या होगा, एफरवेसेंस, ठीक है, 2,4-DNPH के साथ नन, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको C डबल बॉन्ड O ग्रुप चाहिए, या तो एल्डिहाइड के का या कीटोन का, और इसमें कोई दोनों दोनों में से नहीं है, टॉलेंस रिएजेंट नन, तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप ना सी एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ग्रुप इसमें नहीं है, तो उसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। सो ये जो था ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये ग्रुप 2 कार्बन से है। ग्रुप 2 मेटल्स फॉर्म स्टेबल कार्बोनेट्स एंड सल्फेट, स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स डाउन द ग्रुप। सो हम ये लिखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप एज साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस, ठीक है, साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीज होगा, आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा, एंड पोलराइजेशन ऑफ एन आयन डिक्रीजेस। 3 मार्क्स का था, 3 मैंने बातें पूरी कर दी, क्योंकि उसने लिखा है स्टेट एंड एक्सप्लेन, तो हमने क्या लिख दिया कि स्टेट कर दिया कि भाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, एक्सप्लेन साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस, पोलराइजेशन ऑफ एन आयन डिक्रीजेस, ठीक है। सो वो हमने यहाँ पे बातें पूरी कर दी। नेक्स्ट देखिएगा, द सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स बिकम लेस सॉल्यूबल डाउन द ग्रुप, एक्सप्लेन दिस ट्रेंड। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि डेल्टा एच हाइड्रेशन
हाइड्रेशन बिकम्स लेसर एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनिक रेडियस. इज इन आयोनिक रेडियस ऑफ द मेटल आयन डाउन द ग्रुप. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिस एनर्जी. फर्दर हम लिखेंगे कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. Down the group as distance between मैं B/W between के लिए short लिख रहा हूँ. एग्जाम में पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं मारने, ठीक है ना. बिटवीन आयन्स इंक्रीजेस. इसके अलावा हम एक और पॉइंट भी लिख देते हैं, द डेल्टा एच सोल्यूशन ऑल्सो बिकम्स लेसर एक्सोथर्मिक डाउन द ग्रुप. ठीक है, सो ये भी जो है ना, मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था कि ये क्वेश्चन जो है ना लाजमी आना ही आना है, ठीक है ना. तो एक कौन सा क्वेश्चन जो आना ही आना है, आपका ट्रांजिशन में से कलर वाला और दूसरा ये वाला. अभी आगे जब जाते रहेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन भी लाजमी आना ही आना है, ठीक है. सो ये क्वेश्चन आना ही आना है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 मार्क का भी आ सकता है. इधर 3 मार्क का दे दिया उसने, 3 मार्क का दे दिया तो 3 रीजन लिख दें, 4 मार्क का आ जाए तो 4 लिख दें. वैसे मैंने आपको नोट्स में 4 ही लिखवाए हैं, तो इसमें अगर आप फोर्थ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर दें, आपकी अपनी मर्जी है. लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहते, 3 भी लिखनी है, तो कोशिश करें कि 3 भी जो लिख रहे हैं वो सही लिखें, ताकि 3 out of 3 marks है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस आ गया. एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Al2O3 बाय इलेक्ट्रोलिसिस. Al2O3 इज डिजॉल्व इन क्रायोलाइट. इन दिस प्रोसेस द हाफ इक्वेजन फॉर द रिएक्शन एट द एनोड इज शोन. यूज द हाफ इक्वेजन टू राइट द आयनिक इक्वेजन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ Al2O3. सो Al2O3 के लिए हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले एल्यूमिनियम की इक्वेशन देखते हैं कि एल्यूमिनियम की इक्वेशन क्या है. तो ऊपर डेटा बुकलेट पे आते हैं, इधर जब ये E0 की वैल्यूज दी होती हैं, तो ये आपके पास एल्यूमिनियम की इक्वेशन है. Al3 पॉजिटिव -1.66 इसकी वैल्यू है, ठीक है. सो इक्वेशन क्या है, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन और फिर Al, ठीक है. अब इसके साथ इसको हमने ऐड करके, सो हम ये कहते हैं कि Al, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ताकि इलेक्ट्रॉन्स 6 हो जाएं और हम इनको कैंसिल कर सकें. तो 2Al3 पॉजिटिव प्लस 2 3 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 2Al. फिर 3O2 नेगेटिव प्लस 3C गिव्स अस 3CO प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन. अब इसको ऐड कर दो इक्वेशन को, तो 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3O2 नेगेटिव प्लस 3C गिव्स अस 2Al प्लस 3CO, ठीक है. तो इस तरह आप लिख देंगे. नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 3 आवर्स यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स एंड करंट ऑफ 3.5 × 10 इज पर 3.5 × 10⁵ A. Calculate the mass of aluminium that is formed. सबसे पहले हम Q is equals to IT करेंगे. या आप ना कर लें, मैं तो चले अगला आपको दे देते. करंट क्या है, 3.5 × 10⁵ A. टाइम क्या है, 3 आवर्स है. मिनट्स में करो 60, सेकंड में करो 60. जी क्या आंसर आता है, कैलकुलेट करें.
आंसर आता है 3.78 इंटू 10^9 कूलम। ठीक है, अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में 96,500 कूलम्स होते हैं, तो भाई 3.78 इंटू 10^9 कूलम में एक्स मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो एक्स की क्या वैल्यू आती है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जल्दी करो। 3.78 इंटू 10^-9 डिवाइडेड बाय 96,500। जी, 3.92 इंटू 10^5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3.92 इंटू 10, एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? भाई ये इक्वेशन लिखी है, 3 लिखा हुआ है ना, तो 3 है, तो डिवाइड कर दो इसको 3 से, क्या आता है? जो भी आता है उसको 27 से, जो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है उससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ गया? 3.5 इंटू 10^5 ग्राम। ठीक है, तो ये मास ऑफ एल्यूमिनियम है दैट इज फॉर्म्ड। दोबारा समझाओ, देखो हमारे पास करंट भी उसने दे दिया, टाइम भी दे दिया, हमने क्यू फाइंड कर लिया, 3.78 इंटू 10^-9 कूलम आ गया। ठीक है, उससे हमने ये कहा कि देखें, हमें पता था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में 96,500 कूलम का चार्ज प्रेजेंट होता है, तो जब चार्ज जो है वो 3.78 इंटू 10^-9 कूलम हो जाएगा तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मैथ्स लगाया, तो 3.92 इंटू 10^4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैल्यू आई। तो 3.92 इंटू 10^5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में इतने मोल्स हैं, तो हमारे पास कितने थे? 3 थे। ठीक है, तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया देखने के लिए कि हमारे पास कितने मोल्स हैं। ठीक है, अब जब हमने मोल्स हमने फाइंड कर लिए, तो हमने मास फाइंड करना है, तो हमने एल्यूमिनियम के मास के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया मोल्स को, टू फाइंड द मास ऑफ एल्यूमिनियम दैट वाज फॉर्मड। ठीक है, मैंने इधर एक स्टेप खा लिया, ठीक है, ये वाला जो स्टेप था मैंने इसको खा लिया, मैंने एक डायरेक्टली आपको करवा दिया। अगर आप इसको लिख के करना चाहते हैं कि भाई इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इतने इतने इलेक्ट्रॉन में इतने मोल्स हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन मोल्स में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उस तरह अगर आप करना चाहते हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हो। फिर उसमें 2 स्टेप्स हो जाएंगे कि फिर आप पहले मोल्स फाइंड करोगे, फिर मोल से मास फाइंड करोगे। मैंने आपको डायरेक्टली ऐसे ही करवा दिया, ठीक है, आंसर अलबत्ता आपको ये आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ। स्टूडेंट्स लोग अक्सर गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि यहाँ पे जब वो क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो 3.78 इंटू 10^-9 जो कैलकुलेटर की वैल्यू आ रही है ना, उसको वो राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसको राउंड ऑफ कर देंगे। वो जब राउंड ऑफ वैल्यूज यूज करते करते एंड पे पहुंचेंगे ना, उनकी वैल्यू में और मार्क्स स्कीम की जो एग्जाम में वैल्यू आनी चाहिए उसमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से उनका आंसर जो होता है ना वो सारा गलत हो जाता है। तो प्लीज राउंड ऑफ आपने एंड में करना है। ठीक है, राउंड ऑफ जब आप तो राउंड में करना है, ठीक है, जहां पे मैंने किया है। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर वैल्यूज सारी यूज की है अपनी कैलकुलेशन में, जो मैंने ये पेपर में मेरे हाथ में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो कैलकुलेटर वैल्यूज यूज करते हैं, एंड में आके उसको राउंड ऑफ कर दें। ठीक है, हाँ जी, पहले राउंड ऑफ नहीं करना वरना आंसर गलत हो जाएगा, एग्जामिनर नहीं मानेगा, एग्जामिनर गलत कर देगा, 3 मार्क्स हैं मुफ्त के वो आप खो देंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, क्रायोलाइट कैन बी मेड फ्रॉम SiF4। द फर्स्ट स्टेप इन द कन्वर्जन इन द रिएक्शन ऑफ SiF4 विद H2O2 फॉर्मिंग H2। अच्छा, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो SiF4 प्लस H2O है, तो क्या आता है? उसने बता दिया SiO2 बनता है और H2SiF6 बनता है। ठीक है, बैलेंस करें, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, हो गया बैलेंस। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 2 था, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस और थोड़ा सा ग्रुप 2 से आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ये दोबारा थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ है। पहला पार्ट देखिएगा, डिफाइन द टर्म स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो हम ये कहते हैं कि इट इज
दी ईएमएफ मेजर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्राइजिंग द हाफ इक्वेशन एंड द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो वो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, ड्रॉ अ फुली लेबल डायग्राम ऑफ द एपरेटस दैट शुड बी यूज्ड टू मेजर द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल ऑफ ए यू थ्री पॉजिटिव एक्वस ए यू सॉलिड एच एन ओ थ्री एच एन ओ गैस। ठीक है, सो ये कीजिएगा, करें जरा इसको, फिर मैं आके बताता हूँ कि ये कैसे करना है। ट्राई करें इसको, और इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपके पास पेपर है इसका, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये भी ट्राई करें, लेकिन फिलहाल जरा इसको करें, बनाए आराम से। ठीक जी, बना लिया होगा आई एम श्योर आपने। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग के लिए माजरत कि इतनी अच्छी नहीं है। ये आपका फ्लूइड सॉल्यूशन है, भी लेबल भी करते हैं। ये आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। अरे बेटा कमाल हो गया, ये ले। ठीक है, ये जो है ये इसके अंदर इलेक्ट्रोड है। ये दूसरी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये जो है ये इसका सॉल्ट ब्रिज है। ये वोल्ट मीटर है, लेबल भी करनी है। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, फुली लेबल्ड, तो फुली लेबल्ड करें तो यहां से आप NO गैस देंगे 1 ATM पे 298 केल्विन, और इसके अंदर आपके पास होगी एच एन ओ थ्री एक्वस 1 मोल पर DM³। ये आपके पास सिल्वर ए गोल्ड इलेक्ट्रोड है, AU इलेक्ट्रोड है, और ये आपके पास AU³ एक्वस 1 मोल पर DM³ है, और ये आपके पास प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। ठीक है, सो ये जो है ये फुली लेबल्ड डायग्राम है इस इलेक्ट्रोलिसिस के एपरेटस की। ठीक है, चीज मिसिंग तो नहीं है? नहीं,
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। राइट आयनिक इक्वेशन टू शो हाउ दिस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन A2। सो कौन कौन सी इक्वेशंस इस्तेमाल होंगी, एक ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, अब इक्वेशन लिखनी है। फ्लिप किसको करेंगे, फ्लिप हम इक्वेशन नंबर 3 को करेंगे क्योंकि इसकी ई नॉट की सेल की वैल्यू सबसे कम है। तो फ्लिप करके हम जब लिखते हैं तो Au3 पॉजिटिव एक्वस प्लस NO गैस प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स अस NO3 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव एक्वस प्लस Au। ठीक है, अब कैलकुलेट द ई नॉट सेल। सो ई नॉट सेल की करें तो 1.50 माइनस 0.96, क्योंकि 0.96 फ्लिप हो गई थी, तो क्या आंसर आता है, 0.54 वोल्ट। सो प्लस 0.54 वोल्ट आता है आंसर। ठीक है, हाँ जी, गोल्ड कैन बी ऑक्सीडाइज बाय मिक्सचर ऑफ कौन, ये जरा आप सोचिएगा इसके ऊपर, जरा करें इसको, सोचें जरा इसको, फिर मैं बताता हूँ। जी सो इसमें देखिए बेटा, आप यहाँ ये करेंगे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट एंड द यूज, व्हाट इफेक्ट द यूज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रोजन ई वैल्यूज ऑन हाफ इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, सो बेटा ये वैल्यूज है, 2 और 3 पे क्या इक्वेशन की फर्क होगी। देखिए इक्वेशन 3 को अगर देखें तो अगर हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करेंगे तो NO3 नेगेटिव ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इक्वेशन जो है वो टुवर्ड्स द राइट जाएगी और ई नॉट की वैल्यू भी पॉजिटिव में है, तो ये टुवर्ड्स द राइट चली जाएगी। ठीक है, और ई नॉट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो इक्वेशन 3 है उसकी जो इक्विलिब्री ई नॉट की वैल्यू है इट बिकम्स ग्रेटर देन दी E2 वैल्यू। ठीक है, सो एक को आप इधर ही लिख के एक्सप्लेन कर दें तो वही बहुत हो जाएगी। यही जो मैंने एक्सप्लेन किया इक्विलिब्रियम के साथ रिलेट करना है कि भाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कि इसकी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगा या टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड जाएगा, और उसकी जो ई नॉट की वैल्यू है वो 2 से भी बढ़ के ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, 1 के साथ कोई इसकी बात नहीं करनी क्योंकि 1 का उसने क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं किया, तो 1 के साथ उसको बेशक आप लिंक ना करें कि 1 से भी बढ़ जाएगी या 1 से कम रहेगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट को देखिएगा। AuCl3 रिएक्ट्स विद H2O2 अंडर सर्टेन कंडीशंस फॉर्मिंग AuO2 एंड HCl। स्टूडेंट कैरीज आउट सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AuCl3 एंड H2O2। द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड, द टेबल शोज द रिजल्ट्स दैट आर ऑब्टेंड। राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ AuCl3 एंड H2O2। सो AuCl3 प्लस H2O2 गिव्स अस AU, इसने बता दिया कि AU HCl और O2 बनेगा। ठीक है, बैलेंस्ड है, बैलेंस तो नहीं है। तो यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, 6 हो जाएंगे, नहीं क्या लिखें इधर, 1.5 1 होल 1 ओवर 2। ठीक है, तो ये 3 हो जाएंगे।
ये टू पूरे, ठीक है। डिटरमिन द रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, शो यूजिंग कोटिंग डेटा फ्रॉम द टेबल। ये तो चले आपको आता है, मैं बता देता हूँ। ऑर्डर, पहले सबसे पहले ये करो, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए यू सी एल थ्री यूजिंग एक्सपेरिमेंट वन एंड टू, ठीक है। सेकेंडली, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एच टू ओ टू यूजिंग एक्सपेरिमेंट टू एंड थ्री, ठीक है। पहले ये करो फिर ये करो। तो इसकी जो ऑर्डर है वो वन आता है और इसका भी जो ऑर्डर है वो वन आता है। ये आप कैलकुलेट करके इसको देख लीजिएगा। अभी यहाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कैलकुलेट करूँ, बहुत इजी पार्ट है। तो रेट इज इक्वल टू के ए यू सी एल थ्री और एच टू ओ टू हो जाएगा, ठीक है। यूज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट और के फॉर द रिएक्शन। तो एक्सपेरिमेंट टू कहाँ पे है जी, ये पे है, ठीक है। ये तो रेट, अच्छा रेट क्या है जी, 1.53 × 10⁻¹ इज इक्वल टू के ए यू सी एल थ्री 0.10 है और वो 0.50 है। तो के की वैल्यू क्या आती है, 3.06। यूनिट्स क्या होंगे, मोल माइनस टू, डी एम 9 मिनट माइनस वन, 3.06 मोल माइनस टू डी एम 9 मिनट माइनस वन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ये बहुत इजी थे। AlF3 इज एन आयन कंपाउंड बॉर्न हेबर साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ AlF3 स्टोन, ठीक है जी। ये डेम देन तेल भी चेंज लेबल डेल्टा एच फोर एंड डेल्टा एच सिक्स। तो डेल्टा एच फोर कहाँ पे है जी, डेल्टा एच फोर तो ये है और डेल्टा एच सिक्स ये है। तो डेल्टा एच फोर क्या है, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी है फ्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन इफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। डेल्टा एच सिक्स क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। ऑफ ए एल एफ थ्री भी लिख देते हैं साथ ही, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो, मार्क्स कटने की गुंजाइश ना हो। यूज द डेटा इन द टेबल फ्रॉम द एंड फ्रॉम द डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी ऑफ ए एल एफ थ्री। चले करें करें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, करें। जी तरीका ये है कि इसमें जब हम डेल्टा एच लैटिस फाइंड करेंगे तो हमारे पास दो रूट्स हैं, एक रूट ये है और एक रूट ये है, ठीक है। सो रूट वन इज इक्वल टू रूट टू, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है -15O4, -15O4 इज इक्वल टू, अब हम ऐड करेंगे एटमाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम 326 प्लस, फिर हम ऐड करेंगे एटमाइजेशन ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, वो क्या है 158 है, ठीक है। बताता हूँ 158 कैसे है,
ये क्या है 158, बॉन्ड एनर्जी 158 है, 158 है मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 के साथ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये हो गया, नेक्स्ट स्टेप ये देखिएगा कि एएल गैस, Al3 पॉजिटिव, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम क्या होती है, सो वो ये है 577, 1820, 2740, सो प्लस 577 प्लस 1820, दूसरी क्या थी 2740, फिर प्लस ऐड करोगे, नेक्स्ट चीज स्टेप क्या होगा, ये है डेल्टा एच फोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन क्या होती है, माइनस प्लस 3 × −328, ठीक है, 328 क्यों होगी, ये जो है ये फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है इसको मल्टीप्लाई बाय कर देना है, ठीक है, और प्लस डेल्टा एच लैटिस, ठीक है, सो डेल्टा एच लैटिस क्या होगा, कैलकुलेट करें तो इसकी जो आंसर है वो क्या आता है, −6220 किलो जूल पर मोल आता है, ठीक है, −6220 किलो जूल पर मोल लैटिस एनर्जी ऑफ AlF3 आती है, ठीक है, सबकी यही आती है, बारे स्कैंडियम फ्लोराइड इज एन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, SCFC, यूज द डेटा डेटा फ्रॉम द डेटा बुकलेट टू सजेस्ट हाउ द लैटिस एनर्जी ऑफ AlF3 कंपेयर विद द लैटिस एनर्जी ऑफ AlF3, तो पीरियोडिक टेबल की तरफ आते हैं जरा, देखते हैं कि Al और SC कहाँ पे है, एल्यूमिनियम और स्कैंडियम, अरे रुक जा भाई, ये स्कैंडियम है, ये एल्यूमिनियम है, 45 है, 27 है, आयोनिक रेडियस के अंदर वाजे फर्क है, ठीक है, सो हम ये कहते हैं कि SCF3 has a less exothermic lattice energy as ionic radius of SC3 positive is larger than Al3 positive and it has less attraction between ions, ठीक है, देखिएगा कि हमने जब लैटिस एनर्जी पढ़ी थी तो हमने कहा था कि दो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करती हैं इसकी लैटिस एनर्जी को, तो एक जो थी वो साइज ऑफ आयनिक रेडियस था और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज था और अट्रैक्शन थी, ठीक है, तो स्कैंडियम जो है उसकी जैसे आयनिक रेडियस जो है वो बड़ा होता जाएगा तो लैटिस एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है, तो स्कैंडियम का आयनिक रेडियस ज्यादा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। नेक्स्ट पार्ट पे देखिएगा, AlF3 इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस, राइटिंग एक्सप्रेशन KSP, तो KSP की इक्वेशन क्या होगी जी, Al3 पॉजिटिव हो जाएगी और F नेगेटिव 3 हो जाएगी, KSP की वैल्यू, KSP Al3 पॉजिटिव दोबारा लिखते हैं, अच्छा 1 मार्क है तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, ज्यादा इनफॉर्मल नहीं होते, KSP देखो जो एल्यूमिनियम की 6.5 × 10⁻²⁻ ब्रैकेट ब्रैकेट दोबारा 6.5 × 10⁻²⁻ मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब नहीं करना, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आता है 4.8 × 10⁻⁴, यूनिट्स नहीं लिखने, 4.8 × 10⁻⁴ इज द वैल्यू ऑफ KSP फॉर दिस पार्ट, ठीक हो गया, सो ये जो था ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, थोड़ी थोड़ी ऑर्गेनिक आना शुरू हो गई है, कंपाउंड एफ हैज बीन फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन सम सीरियल्स एंड ड्राइड फ्रूट्स, गिव द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स लेबल्ड ए एंड बी, सो ए क्या है जी, सी डबल बॉन्ड ओ ओ है, एस्टर है, बी एमाइड है,
ये तो बहुत आसान था भाई। ए इज एस्टर, तो बी अमाइड। स्टेट द नंबर ऑफ कायरल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एफ। जी कायरल बताएं कहाँ पे। ये तो ये है, ठीक है जी, दो है। इसमें दो कायरल कार्बन है, एक जो है वो ये है और एक जो है वो ये है। देर आर टू कायरल कार्बन एटम्स, ठीक है। ये दो कैसे हैं? ये दो इस तरह से हैं कि देखो, अगर इसके हिसाब से देखें तो इसके साथ ये वाला ग्रुप अटैच है, फिर ये वाला ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच है, और फिर ये सारा ग्रुप अटैच है, ठीक है। अगर दूसरे के मुताबिक देखें कि जो अब मैंने सर्कल है तो इसके साथ साथ जीरो है, उसके साथ फिर ये वाला है, तो देखो उसके बाद फिर ये है, उसके साथ हाइड्रोजन है और उसके साथ फिर ये है। तो ये चार डिफरेंट ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं, सो देर आर टू कायरल कार्बन एटम्स, ठीक है। अब वो कह रहा है एफ कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विद एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज शोन। थ्री प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, जी एंड टू अदर्स। एफ ये है, जी तो ये है, और दो अदर बनाने हैं हमने। तो सबसे पहले देखो कि हाइड्रोलिसिस हुई है, सो जी कहाँ से निकला है? जी जो है वो तो भाई यहाँ से निकला है, ठीक है। हाँ यहाँ से निकला है। तो अब दो प्रोडक्ट्स बनाने, और एक बॉन्ड यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ वाला टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ठीक है। यहाँ से नहीं, यहाँ से ये टूटेगा। तो दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सबसे पहले आपके पास ये वाली चेन बनेगी, ये कार्बन दो कार्बन की चेन है, एल्कोहल बन जाएगा CH3CH2OH। दूसरा आपके पास जो ये रिमेनिंग चेन है, ये वाली, ये वाली जो चेन है ये आपके पास बच जाएगी, ठीक है। तो इसको बनाओ, COOH NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कंपाउंड एच इज फॉर्म इन वन स्टेप ऑफ अ डिफरेंट सिंथेसिस एज शोन। स्टेट द रोल ऑफ FeCl3 इन दिस स्टेप। हाँ जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हुई है, तो इसमें FeCl3 की क्या रोल है? इसमें हमने बात की थी कि FeCl3, AlCl3, इस किस्म की जो चीजें होती हैं वो एस कैटलिस्ट इस्तेमाल होती हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये जो है ये कैटलिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यूज द डेटा बुकलेट टू सजेस्ट टू रीजंस व्हाई द क्लोरीन एटम इन कंपाउंड एट सब्स्टिट्यूट्स इनटू द रिंग एट द पोजीशन शोन इंस्टेड ऑफ द अदर पोजीशंस इन द रिंग। एच में क्लोरीन वहां पे क्यों जाता है जहां पे गया है? तो ये देखिएगा कि एच में ये OH है आपके पास, ठीक है, और इधर अगर हम आते हैं ये वाला ओरिएंटिंग इफेक्ट ऑफ, तो इसमें देखें कि OH जो है वो टू और फोर पोजीशंस पे जाता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखते क्या है, उसके अलावा दो रीजन हमें चाहिए, तो एक OH वाला रीजन, दूसरा रीजन ये कि ये देखो ना COOH है यहाँ पे, तो COOH जो है वो थ्री पोजीशन के ऊपर उसको भेजने की कोशिश करता है, तो ये 1 2 3 3 पोजीशन है, ये 1 2 3 4 पोजीशन है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कि OH डायरेक्ट्स टू 2 4 पोजीशन एंड बोथ 2 पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड, सो इट मूव्स टू टू फोर्थ पोजिशन, ठीक है। अभी टू पोजिशन ही ऑक्यूपाइड है, उसके ऊपर जाके तो वो नहीं लग सकता ना, वो जो है फिर वो दूसरी पोजिशन के ऊपर जाएगा। दूसरा रीजन COOH डायरेक्ट टू थर्ड थ्री पोजिशन
एंड ओनली थ्री पोजिशन इज ऑक्यूपाइड, ओनली थ्री पोजिशन इज ऑक्यूपाइड. वो COH करता ही थ्री पोजिशन के ऊपर है, मेटा के ऊपर है, वो ऑर्थो पैरा पे नहीं करता, जिसकी वजह से वो फिर उसके पास कोई और चारा नहीं होता, तो वो उधर ही जाके लग जाता है. ठीक है, हाँ जी, थक गया हूँ बेटा मैं, लो पढ़ा पढ़ा के. अबाउंड जे इज ऑल्सो फाउंड इन सम सीरीज पार्ट ऑफ द मास स्पेक्ट्रम ऑफ जे इज शोन द एम एंड एम प्लस वन पीक्स आर लेबल्ड अलोंग विद द रिलेटिव इंटेंसिटीज. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एक्स प्रेजेंट इन जे. तो जी करो, ये बाप करें, बहुत आसान है. जी, सो इसमें हम ये करेंगे कि n इज इक्वल टू 100 ओवर 1.1 इनटू 14.4 ये m प्लस 1 ओवर 100. तो n की वैल्यू क्या आती है, 13.09. सो 13 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट. मास स्पेक्ट्रम इज पीक ऑफ मास चार्ज रेशियो इज इक्वल्स टू 205. 205 पे सबसे बड़ी पीक आ रही है. स्टेट द आइडेंटिटी ऑफ द फ्रेगमेंट लॉस्ट फ्रॉम जे टू फॉर्म दिस पीक. सो 250 माइनस 205 इज इक्वल्स टू 45. तो 45 के हिसाब से C2H5O है उसकी आइडेंटिटी, क्योंकि वो CX है. तो इसको हम करें तो C13H वो बना के उसको हम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये जो था ये क्वेश्चन नंबर 4 था. 50 मिनट अभी तक हमने सिर्फ चार क्वेश्चन किए हैं, मेरे तरह से टेस्ट चलना चाहिए. अब जो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है इसको भी आप जरा खुद करें, ट्राई करें इसको. शाबाश, फिर मैं आता हूँ. जी कुछ हुआ, स्टेट एंड एक्सप्लेन द रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू फंक्शनल ग्रुप्स. कौन से फंक्शनल ग्रुप भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल. हमें लिखते हैं, करता हूं मैं, सीओओएच इज मोर एसिडिक then phenol and the OH bond and the OH bond is weaker, hence the OH bond loses proton more easily. COH की बॉन्ड है, ठीक है, बात है, मोर इजीली, हेंस इट इज मोर एसिडिक. ठीक है, अभी देखो COOH है तो C डबल बॉन्ड O O H है, ये बॉन्ड इतना वीक है कि इतनी आसानी से टूट जाता है, और H पॉजिटिव जो है वो आसानी से कट लेता है यहाँ से पहला मौका देख के. ठीक है, तो वो ज्यादा एसिडिक है क्योंकि एसिड इज प्रोटॉन डोनर. डिफाइन द टर्म बफर सॉल्यूशन, तो ये भी बहुत पूछा जाता है. सॉल्यूशन विच रेजिस्ट्स
changes in pH when small amounts of acids or alkali are added. बस ठीक है. अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन. हाँ जी, बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड डिसॉल्विंग 2.0 4 ग्राम गैलिक एसिड 250 सीएम की सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने मोल्स ऑफ गैलेट आयंस के ए की वैल्यू दी गई है. तो अच्छी बात है. सबसे पहले हम ये करते हैं, मोल्स फाइंड करते हैं गैलिक एसिड की. ठीक है, एक मोल में गैलिक एसिड का एमआर क्या है? 170.9. एक मोल में 170.9 ग्राम, तो 2.04 ग्राम में, 4 ग्राम में एक्स मोल. सो एक्स की वैल्यू क्या आती है? कैलकुलेटर वैल्यू बतानी है, 0.012. ठीक है, कैलकुलेटर पे भी यही आ रहा है, 0.012 मोल. ठीक है, अब इसकी इक्वेशन की के ए की एक्सप्रेशन लिखो. सो के ए इज इक्वल्स टू C7H5O5 नेगेटिव ब्रैकेट क्लोज एच पॉजिटिव ओवर C7H6O5. हमने फाइंड करनी है एच पॉजिटिव की वैल्यू. ठीक है, एच पॉजिटिव की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एच पॉजिटिव को ले आते हैं इस साइड पे. ठीक है, और इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो एच ए यानी कि ये जो एसिड है ए नेगेटिव, और नीचे आ जाएगा के ए. ठीक है, सॉरी नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका, रुको ना क्या कर रहे हो, गलत कर दिया. एच पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, फिर C7H5O5 नेगेटिव, और यहाँ पे के ए ब्रैकेट में, और यहाँ पे C7H6O5. ठीक है, C7H5O5 नेगेटिव की जो उसने दी हुई है कि इतने मोल पर डीएम क्यूब है इसमें और 250 सीएम क्यूब की सॉल्यूशन है. सो इसकी जो है तरीका ये है, ये कि 0.012 डिवाइडेड बाय 0.25 जीरो कर दो. ठीक है, 0.012 डिवाइडेड बाय 0.250. के ए की वैल्यू क्या है? 3.89 × 10⁵. 3.89 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय C7H6O5 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? तो वो जो थी वो 0.06 हो जाएगी. ठीक है, वो 0.0600 है. ठीक है, तो H पॉजिटिव की वैल्यू क्या आती है? हाँ जी, 3.112 × 10⁻⁵. ठीक है, तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 3.112 × 10⁻⁵. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ pH? 4.5. सो 4.5 इज द वैल्यू ऑफ द pH ऑफ दिस बफर सॉल्यूशन. ठीक है, आई एम श्योर समझ आ गया. नहीं आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ. देखिएगा, पहले हमने फाइंड किया कि कितने मोल प्रेजेंट थे आपके गैलिक एसिड के. ठीक है, ठीक है, 0.012 मोल. उसके बाद हमने इस इक्वेशन की जो है वो के ए की एक्सप्रेशन लिखी, बेसिकली के सी की एक्सप्रेशन लिखी. ठीक है, उसको हम के ए कहते हैं. उससे हमने थोड़ा सा उसको जब रीअरेंज किया कि एच पॉजिटिव को हम फाइंड कर सकें, हमने वैल्यूज पुट की, 3 KA की वैल्यू पुट की, मोल्स की वैल्यू पुट की, मोल की जो हमने कैलकुलेट की उनकी वैल्यू पुट की, और फाइनली 3.112 × 10⁻⁵ हमारी वैल्यू आ गई. ठीक है, सो अब जो है उसको हमने यूज करके, एच पॉजिटिव को यूज करके पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव की उसमें डाला, और हमने पीएच की वैल्यू निकाल ली जो कि 4.5 आई थी.
ठीक है। तो ये जो था ये इसका पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, राइट टू इक्वेशंस टू शो हाउ सॉल्यूशन कंटेनिंग गैलिक एसिड एंड गैलेट आयंस एक्ट एज अ बफर। ये क्वेश्चन भी इस किस्म का हमेशा आता है कि इक्वेशन से शो करें कि बफर कैसे एक्ट कर रहा है। तो C7H6O5 प्लस रिएक्शन करा दो OH नेगेटिव के साथ, तो क्या आता है C7H5O5 नेगेटिव H2O। दूसरी इक्वेशन लिखो C7H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव C7H6O5, ठीक है। तो ये इस तरह हो जाएगा। सी पार्ट देखिएगा के सी पार्ट, कंसिडर इन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 पॉजिटिव बाय दिस मेथड, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन जनरेट करने का मेथड है, स्टेप 1 की बात हो रही है, ठीक है। सो HNO3 प्लस H2SO4 गिव्स अस H3O पॉजिटिव प्लस NO2 पॉजिटिव प्लस 2HSO4 नेगेटिव, और ये भी 2 आ जाएगा, ठीक है। सो ये जो है ये आपके पास NO2 पॉजिटिव जनरेट हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन भी अक्सर वो पूछ लेता होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। मैकेनिज्म ड्रॉ करना जी नाइट्रेशन का, तो आई एम श्योर ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ये होगा कि ये जो है ना वो इसके ऊपर जाएगा चार्ज, फिर आपके पास जो है वो ये बनेगा COOH है, यहाँ पे NH2 है, ठीक है। NO2 जो है वो L पे देखो कहाँ लगा हुआ है, भाई ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से लिख करना है। सो यहाँ पे आप NO2 करोगे, यहाँ पे आप H करोगे, ये इसके अंदर वापस जाएगा, ये हमने सर्कल नहीं ड्रॉ करना, इसके अंदर हमने जो है वो इस तरह ये बनाना है, और ये L पहुंचा, और यहाँ पे L पास H पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। स्टेट द मैकेनिज्म इन स्टेप 2। तो भाई ये जो था ये भाई लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा जी, कंपाउंड एम इज कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड पी एस जोन, ठीक है। ये रिएक्शन स्कीम है। स्टेट द रिएजेंट्स एंड कंडीशन फॉर स्टेप 4। NO2 को NH2 करना है, तो भी 10 रिडक्शन हो रही है, 10 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड हीट, ठीक है। फिर वो कह रहा है पी रिएक्शन एक्सेस ऑफ NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl एट 5 डिग्री टू फॉर्म कंपाउंड Q C6H5O Cl3। ये क्या बन रहा है, ये एजो डाई का कंपोनेंट है, ठीक है। NaNO2 को 5 डिग्री सेल्सियस पे करते हो तो एजो डाइज बनते हैं, ठीक है। तो क्यू बनाना है, तो क्यू का जो है वो कह रहा है कि स्ट्रक्चर बनाओ। तो क्यू का स्ट्रक्चर किस तरह बनेगा, क्यू का पहले बेंजीन रिंग बनाओ, ठीक है। फिर यहाँ पे CO2 P2H5, ठीक है। यहाँ पे N2Cl, यहाँ पर भी N2Cl, और यहाँ पर भी N2Cl, ठीक है। सो इस तरह स्टेट द रिएजेंट्स एंड कंडीशन स्टेप 6। तो इसको हम वार्म कर देंगे, जब हम एजो डाई वाला प्रोसीजर में जब हमारे पास एजो ग्रुप आ रहा होगा, उसको जब हम करेंगे क्या करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वापस बनेगा और OH आ जाएंगे इनकी जगह, तो हम जो है वो टेम्परेचर बढ़ा के उसको वार्म कर देंगे, ठीक है। सो वार्म हीट करना है, वार्म एट टेम्परेचर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 एंड H2O वाटर, पानी डाल देना है, ठीक है। स्टेट द नंबर ऑफ पीक्स दैट वुड बी ऑब्जर्व इन द कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम ऑफ गैलिक एसिड। तो क्या होगा जी, एक पीक ये है, दो पीक ये है, तीसरी पीक, चौथी पीक, पांचवी पीक, तो 1 2 3 4 5, तो 5 पीक्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ गैलिक एसिड डिसॉल्व इन D2O इज रिकॉर्डेड, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ पीक ऑब्जर्व्ड एंड एनी स्पेसिफिक पैटर्न। तो ओनली 1 पीक एंड सिंगलेट
जो ग्राफ होगा सिंगलेट एट कहाँ पे, जरा प्रोटॉन एनर्मा स्पेक्ट्रम देखते हैं आगे। तो सिंगलेट जो है वो ये अटैच टू एरोमेटिक रिंग H6 to 9 एट 6.0 to 9.0। क्योंकि देखेंगे कि आप जब इसको छुपा चलाओगे तो ये जो है 5, सो यहाँ पे जो OH है ना वही कोई OH बना रहा होगा या ये वाला OH, क्योंकि इन सब की इन्वायरमेंट्स जो है वो सेम हो जाएंगी, तो उसकी तो कोई अलग से पीक नहीं आएगी, तो दो एक ही पीक आ रही होगी, ठीक है ना, एक ही अटैच टू एरोमेटिक रिंग वाली की, उनकी नहीं आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं, थोड़ा सा बस रह गया ये पेपर और आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी क्वेश्चन है, मुबारक हो आपको। वेलिनोल कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन वन यूजेस वेलिन एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, राइट एन इक्वेशन फॉर रिएक्शन वन यूजिंग एच टू रिप्रेजेंट द रिड्यूसिंग एजेंट। एच का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ओ का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो वेलिन तो CH3 to CH CHNH2 COOH plus 4H CH3 to CH CHNH2 CH2OH plus H2O, ठीक है बना दिया, ठीक है शो करना यार, ये वाली इक्वेशन डालो, ये भी डालो और शो कर लो। सजेस्ट अ सूटेबल रिएजेंट फॉर रिएक्शन वन, तो यार रिडक्शन की है तो क्यों ना हम इसमें LiAlH4 डाल दें, LiAlH4 इन ड्राई ईथर, ठीक है कंडीशन भी बता देते हैं, पूरी बात करते हैं। रिएक्शन टू की मैकेनिज्म, तो यार ये क्या है, NaOH Cl की जगह OH आ गया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वेलिन एंड ग्लाइसिन एसोसिएशन फॉर्म ट्राइपेप्टाइड ग्लाइवैलेनिलेट, और स्ट्रक्चर दिस टाइप इज शोड पेप्टाइड बॉन्ड्स फुली डिस्प्ले। बनाओ यार इसको, जल्दी बनाए इसको, टाइम दे रहा हूँ। जी तो बना दिया होगा यार, इसमें क्या मुश्किल थी, जल्दी से मैं भी बना देता हूँ। H2N है, C है, H है, ग्लाइसिन है तो हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड O है, N H है, ठीक है शो पेप्टाइड बॉन्ड फुली डिस्प्लेड, ठीक है तो C है, फिर उसके बाद सी एच है, CH3 2 है, फिर नीचे हाइड्रोजन है, फिर सी डबल बॉन्ड ओ है, एन एच है, फिर सी है, फिर एच है, फिर एच है, फिर सी ओ ओ एच है, ठीक है। सो ये पेप्टाइड बॉन्ड है और ये पेप्टाइड बॉन्ड शो बन गई, ठीक है। ये मैंने जो है वो तो डिस्प्लेड फॉर्मूला से बना दिए, आप जो है वो स्केलेटल फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन उसने देखिए कि गौर से लिखा हुआ है शो पेप्टाइड बॉन्ड्स फुली डिस्प्ले, स्केलेटल भी बनाओगे तो पेप्टाइड बॉन्ड्स को फुली डिस्प्ले करके दिखाना है, ठीक है ऐसे ही नहीं कर देना, तो इसका ध्यान कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, वेलिन एग्जिस्ट एज टू स्टीरियो आइसोमर्स, ड्रॉ थ्री डायग्राम डायमेंशन डायग्राम शो द टू स्टीरियो वेलिन, नो डायग्राम सी टू कंप्लीट आर स्टेज टाइप ऑफ स्टीरियो शोन। सो सी COOH डॉटेड बॉन्ड H, और यहाँ पे आपके पास NH2 और यहाँ पे पास R, COOH R डैश बॉन्ड NH2
डॉटेड बॉन्ड्स और हाइड्रोजन। टाइप ऑफ स्टीरियोइसोमर तो ये ऑप्टिकल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वैलिन इज एन अमीनो एसिड, ड्रॉ द ज्विटरआयन ऑफ वैलिन। तो ज्विटरआयन क्या होता है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। सो सी, पहले तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऊपर आर ग्रुप में सी एच है, CH3 2 है, फिर यहाँ पे NH2 की जगह NH3 पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे CO नेगेटिव आ जाएगा। तो ये ज्विटरआयन स्ट्रक्चर है इसका। वेलिन, वी आर वेल नेगेटिव इज द एन आयन ऑफ वेलिनेट। ठीक है, इट टेक्स पार्ट इन लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद हेक्सा क्वेन निकल टू आयंस कॉम्प्लेक्स जी इज फॉर्म्ड। फलाना के स्टैब लिखना है, तो निकल H2O2 वेलिन टू ओवर सिक्स वेलिन नेगेटिव स्क्वायर। ठीक है, केस टाइप लिखा गया। एट रूम टेम्परेचर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केस टाइप इज 2.34 इनटू 10 रेज टू पावर 5। एक्सप्लेन व्हाट दिस वैल्यू इंडिकेट्स अबाउट द इक्विलिब्रियम एंड द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जी। सो इक्विलिब्रियम के बारे में क्या बता रहे, इक्विलिब्रियम जो है वो लाइज टू दी, सो हम लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम लाइज टू दी राइट एंड जी इज स्टेबल। केस टाइप की इतनी बिग वैल्यू है तो जी तो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जी इज एन ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स विद द फॉर्मूला, दिस यूज इंफॉर्मेशन टू स्टेट द टाइप ऑफ लिगेंड दैट द वेलिनेट आयन इज एक्टिंग एस इन दिस कॉम्प्लेक्स। तो वेलिनेट VAL2 है, तो यानी कि ये बाइडेंटेट है। ठीक है, दो बॉन्ड्स बना रहा है बाय डेंटेट। ठीक है, सो ये जो था ये आपकी पेपर यहाँ पे खत्म हो गया, फरवरी मार्च 2020 का। हमने तकरीबन 1 आवर 13 मिनट्स में पेपर कंप्लीट कर लिया। आई एम श्योर आपको समझ अच्छी आ गई होगी इस पेपर की। आप देख रहे थे कि इतना थोड़ा सा ट्रिकी पेपर था, बट इतना भी मुश्किल नहीं था, बहुत आसानी से हो गया। 6 क्वेश्चन से रिलेटिवली छोटा पेपर था ये, वैसे यूजली 8 या 10, 8 to 10 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कर पूछ ही सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें वीडियो को प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। कोई किसी किस्म के भी क्वेश्चन के रिलेटेड, चाहे वो पेपर के रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम के रिलेटेड हो, चाहे वो एग्जाम के किसी किस्म के भी रिलेटेड, एग्जाम के रिलेटेड हो, तो वो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरजनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।